गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। अच्छा बीकॉम प्रथम सेमेस्टर जैसा हमारा पिछला एग्जाम की थी बिजनेस स्टडी। ठीक, आज हम लोग नया चैप्टर विषमता एवं इसके गुणांक से संबंधित क्वेश्चन को करेंगे। कल अपन ने इसके फॉर्मूले देखे थे, विषमता क्या है इसके बारे में पढ़ा था, इसकी माप क्या है, विषमता क्यों पाई जाती है, कैसे जानकारी बने कि जो समान माल आए उसमें विषमता है। ठीक है, इन सबके बारे में कल हमने चर्चा की, तो सूत्र देखे थे। तो कल हमने तीन सूत्रों के माध्यम से विषमता की जो माप की जाती है वो हमने देखे। तो तीन सूत्र जो थे जिसको स्क्वायर बोलते हैं, एस के बोलते हैं साइन में, तो हम देख लेते हैं, सॉल्व करेंगे। एस के एक था एक्स बार माइनस जेड, मतलब मान और भौतिक की का जो अंतर होता है उससे भी हम विषमता की माप की जानकारी मिलती है। एक और क्रम क्या था, एस के थ्री ब्रैकेट में एक्स बार माइनस एन, मतलब कि मीन माइनस मीडियन, थ्री ब्रैकेट में मीन माइनस मीडियम, इसके द्वारा भी हम विषमता की माप कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला था वो था Q3 प्लस Q1 माइनस 2n, मतलब कि तृतीय चतुर्थक और प्रथम चतुर्थक के योग में दो मध्यका को अगर घटा देंगे, दो मध्यका के मूल्य के बराबर घटा देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, विषमता। तो हम इन तीनों सूत्रों की सहायता से जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है विभिन्न समूहों से विषमता की माप ज्ञात करें। तो जैसा कि हम सूत्र से पता चल रहा है कि हमें क्या क्या ज्ञात करना पड़ेगा, सूत्रों के प्रयोग के लिए हमें मध्यका भी ज्ञात करनी पड़ेगी, माप भी ज्ञात करना पड़ेगा, बहुलक भी ज्ञात करना पड़ेगा और चतुर्थक की भी गणना करनी पड़ेगी। मतलब कि कहने को क्वेश्चन छोटा सा दिख रहा है, अगर इसको तीन सूत्रों के द्वारा हम हल करेंगे तो यही क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, बड़ा दीर्घ जाएगा हुआ क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, तो अपन धीरे धीरे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर माप निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सिग्मा एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। सिग्मा एक्स का मतलब होता है पदमूल्यों का योग, तो पदमूल्यों में जोड़ देते हैं, 32 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 42 प्लस 42, ठीक, फिर 48 प्लस 49 प्लस 60 प्लस 63 और प्लस 62। तो इस तरीके से हमें क्या पता चल जाएगा, सिग्मा एक्स जोड़ देते हैं, 2, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131,
पदों की जो संख्या है वो 10 है, कितनी है 10। तो x बार बार का क्या हो जाएगा, सिग्मा x अपॉन n, मतलब कि 500 बटा 10 बराबर 50। तो x बार कितना है हमारा 50। अगर यही बात करें हम इसकी z की, ठीक, तो z की हम अगर बात करते हैं तो यहां z व्यक्तिगत श्रेणी में क्या निरीक्षण विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, तो जो भी पद में सबसे अधिक बार पुनरावृत्ति हुई हो, जिस भी पद की सबसे अधिक बार पुनरावृत्ति मतलब सबसे अधिक बार आया हो, तो हमने यहां देखने से पता चल रहा है कि केवल एक ही पद है जो एक से अधिक बार आया है, वो क्या है 42। अपन यहां देख सकते हैं बहुलक बराबर 42, क्यों आया ये, क्योंकि 42 समंतमाला में सबसे अधिक तीन बार आया है, ठीक है ना। तो ये बहुत है, अब इसकी सहायता से हम सिग्मा से निकाल सकते हैं क्या है, x बार माइनस z, मतलब कि 50 माइनस 42, मतलब कि कितना निकल गया है समता 8। तो पहले फॉर्मूले की सहायता से जो हमारी सिग्मा से निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी 8। अगर यही हम बात करें मध्य का, क्या बात करें मध्य का, तो मध्य का जो है वो हमें पहले निकालना पड़ेगा n, मीडियन नंबर में
ठीक है ना, एस के बटे एस डी जे।